तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोर्टल थॉट, और इसको लोग पढ़ पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं। पढ़ने के लिए तो सब कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज मोल, मोल है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? यूनिट है, मोल एक यूनिट है। यूनिट में भी कोई पूछे कि कैसा यूनिट है, तब आपका जवाब होना चाहिए हाँ, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, फंडामेंटल यूनिट। और किस चीज का फंडामेंटल यूनिट है, तब जवाब होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मोल फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तब आपके तरफ से काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर अमाउंट तो सर हम केजी से भी मेजर कर लेते हैं, तो केजी कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते सर? यदि केजी छोटा होगा तो टन कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते? अमाउंट तो सर हम लीटर में भी मेजर कर लेते हैं, तो लीटर कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते? बात समझ रहे ना? अमाउंट तो हम दर्जन में भी गिन लेते हैं सर, तो दर्जन कंसेप्ट भी पढ़ना चाहिए सर। अमाउंट तो आप दर्जन में भी गिन लेते हैं, तो दर्जन कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहिए था कि सर तो। तो आपको हम बताएं कि जैसे आप बोलते हो केजी, अमाउंट केजी से मेजर करोगे तो सिर्फ उससे मास का पता चलेगा, कोई नंबर का पता नहीं चलेगा, कोई वॉल्यूम का पता नहीं चलेगा। आप अमाउंट यदि किसी चीज का दर्जन में गिनते हैं तो दर्जन में सिर्फ किसका पता चलेगा? नंबर का। यदि अमाउंट आप लीटर में मेजर करते हैं तो लीटर में क्या पता चलेगा बोलिए? सिर्फ वॉल्यूम का। आप ml यूज करते हैं तो ये क्या होगा? इसमें भी सेम बात है, सिर्फ पता क्या चलेगा? वॉल्यूम। लेकिन मोल एक मात्र ऐसा यूनिट है जिसमें को बोलने से वो तीनों चीज बताता है, वो आपके समझ का लेवल बताएगा कि आप किस लेवल तक चीजों को समझे हुए हैं। जैसे आपके डिफिनेशन से हमको पता चला कि आपको मोल पता है नंबर के टर्म में, इनके डिफिनेशन से हमको पता चला कि मोल इनको पता है मास के टर्म में। बात समझ रहे हैं ना? तो आगे से कोई मोल पूछे तो आप कहेंगे कि मोल सर एक यूनिट है, जैसे केजी यूनिट है, जैसे ग्राम यूनिट है, जैसे दर्जन यूनिट है, जैसे लीटर यूनिट है, वैसे मोल एक यूनिट है। बात समझ रहे हैं ना? इस यूनिट के साथ स्पेशलाइजेशन क्या है कि जनरली जो यूनिट होता है वो वन टर्म में डिफाइंड होता है। जैसे हम केजी कहे तो हमको एक मास, फिक्स मास का पता चलता है, लीटर कहे तो एक फिक्स वॉल्यूम का पता चलता है। लेकिन मोल एक मात्र ऐसा यूनिट है जिसको कहने से तीनों चीज का पता चलता है, मतलब आपका समझ किस लेवल पर है उसी आधार पर आप मोल को डिफाइन करेंगे। मतलब कि यदि कोई बता दिया कि किसी चीज का एक मोल है तो वो तीनों चीज बता दिया, वो नंबर भी बताया हुआ है, वह मास या वेट भी बताया हुआ है, और वह वॉल्यूम भी बताया। केमिस्ट्री में हमको फिजिक्स नहीं पढ़ा लिया सर, मास तो एम होता है और वेट एम जी होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो मास वेट सबसे नहीं लगाइएगा कि एम जी सर हमको पढ़ना, ठीक है? तो केमिस्ट्री में मास और वेट साइनोनिमस यूज होता है, इसलिए हम आपको मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मोल को तीन टर्म में समझाएंगे। पहला चीज हम पढ़ाएंगे आपको मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में मोल का क्या मतलब होता है। फिर पढ़ाएंगे आपको क्या मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तीसरा पढ़ाएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि मोल को तीनों टर्म में आपको हम पढ़ाएंगे, नंबर के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है? तो हम इतना आप लिखिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। इतना उतार लीजिए जिनको उतारना है। चलिए तो हम पहला शुरू करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ध्यान से समझिएगा, नंबर के टर्म में मोल का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक दर्जन है, बाजार में जाइए बोलिए कि हमको एक दर्जन दीजिए, तो दुकानदार क्या समझेगा? कुछ गड़बड़ बात है भाई, दर्जन क्या दर्जन? बाजार में जाइएगा सिर्फ दर्जन बोलिएगा तो सेंटेंस पूरा है ही नहीं। उसी तरह एक मोल सिर्फ बोलिएगा इसका कोई मतलब नहीं होता। किस चीज का मोल?
कोई बाजार में जाए कि हमको एक मोल दीजिए तो क्या कहेगा, कहते यार इसको समझ में नहीं आता किस चीज का मोल। जैसे आपको लगाना पड़ेगा कि एक दर्जन पेन चाहिए तब वो आपको 12 को पेन देगा, बात समझ रहे ना। उसी तरह एक मोल का कोई मीनिंग नहीं, कोई बोले वन मोल क्या मीनिंग, कोई वन मोल किसी चीज का होगा, अपने आप में वन मोल का कोई मतलब, बात समझ रहे ना। वन मोल यदि हम कहें हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब हुआ कि इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन एटम। यदि कोई बोला, मतलब आप समझिए कि ये आपका एक हाइड्रोजन एटम हुआ और एक मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ कि ऐसा ऐसा हाइड्रोजन एटम का संख्या कितना है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ऐसा ऐसा हाइड्रोजन नंबर का संख्या है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कोई छोटा नंबर नहीं, बात समझ गए। एक एटम का मतलब हुआ एक सिंगल एटम, एक मोल एटम का मतलब हुआ ऐसा ऐसा एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। जैसे आपको कोई आदमी बताता है कि मेरे पास 12 केला है, आपका दिमाग तुरंत बोल देगा आपके पास एक दर्जन केला है। कैसे बताया, क्योंकि आपका दिमाग इस पर एक्सपर्ट है कि जिस चीज का नंबर गिवन है उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो वो दर्जन बताता है, तुरंत आप बता देते हैं। मोल के साथ भी सेम बात है कि जिस चीज का मोल निकालना है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, बात समझे। जिस चीज का मोल निकालना है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि आप करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठाने का जरूरत है। जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ दर्जन निकालने के लिए आप क्या किए थे, गिवन नंबर को आप क्या किए थे, बोलिए 12 से डिवाइड किए थे। उसी तरह नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या कहिएगा, गिवन नंबर जिस चीज का हो, गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल को किससे डिवाइड कीजिएगा, बोलिए एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो किसी चीज का मोल। लेकिन एग्जाम वाला तो एग्जाम लेता है, तो जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना सिंपल परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना समझा। लिखिएगा फाइंड द, सब लोग बनाइएगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन present in 3.011 × 10²³ molecules of oxygen gas। यहां पर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए तो क्या हमने लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल। तो जब यहां पर हमको लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो जब यहां केला था तो तब आप किससे डिवाइड किए थे, दर्जन किसका निकला था, केला का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखाएगा, तो यहां पर क्या लिखेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एक एटम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो दो है, तो 2 × O₂ मॉलिक्यूल होगा, तब तो एटम का संख्या निकलेगा ऑक्सीजन का भैया। यही गलती सबके कॉपी में हम देखें तो वहां पर हो जाएगा 2 × 3.011 × 10²³ बट 6.022 × 10²। आंसर क्या होगा, लिखिए दूसरा क्वेश्चन, Find the number of atoms present in 6.022 × 10²² molecules of glucose. मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, कि आपको ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है,
C6H12O6। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितना है? 6 + 12 + 6 = 24। तो एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 24 एटम्स। सो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.022 × 10⁵, तो ये हो जाएगा 4 × 6.022 × 10⁵। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, तब ये होगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स बटे एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम कितना है? 24 × 6.022 × 10⁵, 23। एकदम आराम से बनता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.011 × 10⁻²⁰ ऑक्साइड आयंस। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.011 × 10⁻²³ ऑक्साइड आयंस। नंबर ऑफ मोल नहीं लिखे हम, सिर्फ क्या लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्साइड आयन में, ऑक्साइड का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग, ओ पर -2 को क्या कहते हैं, ऑक्साइड। देखिए ओ टू के ऊपर 2 माइनस हो तो इसी को कहते हैं पर ऑक्साइड आयन, और ओ टू के ऊपर 1 माइनस हो तो इसी को कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ध्यान रखिएगा ये सबका बहुत यूज है। अब हमको पता चल गया कि एक ऑक्साइड आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 3.011 × 10⁻²³ में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन × 3.011 × 10⁻²³, 3.011 × 10⁻²। समझ रहे हैं कि नहीं? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.011 × 10⁻²⁴ नाइट्रेट आयन वो कहते हैं NO3-। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.011 × 10⁻², नाइट्रेट आयन। देखिए हम जानते हैं नाइट्रेट आयन, हाँ लग रहा है सही बता रहा है। नाइट्रेट आयन को यदि देखिएगा तो ये इसी चिड़िया का नाम है नाइट्रेट आयन, इसी चिड़िया का नाम है नाइट्रेट आयन, जिसमें कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाया है, एक कोवेलेंट दो कोवेलेंट। देखिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है ना, जिसमें एक कोऑर्डिनेट 3 कोवेलेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि जब न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रल एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर है टोटल को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, 8 × 8 = 16, 16 × 9 = 25 और 25 = 32। तो एक आयन में, ध्यान से समझिए, एक आयन, वन आयन या नाइट्रेट आयन लिखिए, कंटेन कर रहा है कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। तो 3.011 × 10⁻², क्या करेगा, 32 × 3.011 × 10⁻²। अब निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ना हम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पर लिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखाएगा एवोगैड्रो नंबर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? तीन सौ बीस किसी का आंसर आया था? हाँ वेरी गुड। टू कहाँ से? ओ अच्छा हाँ अच्छा वेरी गुड। चलिए तब सही, हाँ सही बात, छूट गया था हमसे। इसीलिए कहता लड़का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर ज्यादा ध्यान रखता है। कहने का मतलब कि आप नंबर ऑफ मोल में ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन किसका मोल पूछ रहा है, ये नहीं कि बस चल दिए दौड़। मोल तो बस निकालना है, जिस पहले तो वो चीज निकालिएगा जिसका मोल निकालना। पहले हम क्या किए, वो चीज निकाले जिसका कि मोल निकालना। मोल तो अंतिम काम है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए तो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग हैविंग एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 231। इस बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में था, लास्ट क्वेश्चन जो था। कोई बात नहीं, हमको एलिमेंट से मतलब नहीं, एक्स को एलिमेंट हो कुछ छोड़ो, उसको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ। कितना आंसर देखें जा कॉपी। देखिए आपको हम शुरू क्लास में पढ़ाए थे, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो मास नंबर है, और मास नंबर किसके बराबर होता है ये बताइए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, न्यूट्रल केस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। लेकिन यदि ऊपर से नीचे घसका लेंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें निकल जाएगा, और वो होगा 231 माइनस 92। 231 को 92 से घटाइए कितना आएगा 139। और हम बहुत अच्छा दिए थे कि आपको डिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, एक तरह से सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही पूछ रहे थे। तो अब हमको क्वेश्चन में था नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो वह था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटे एवोगैड्रो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? तो बस दिमाग को एक्टिव रखिएगा तो मोल कंसेप्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं, बस सतर्क बस रहना है कि हमको क्या निकालने बोल रहा है। जो चीज निकालने बोल रहा है उतने पर हम फोकस करें, जो निकालने बोल रहा है उतने पर फोकस करें, ठीक है? आपको समझ में कुछ आया कि मोल कंसेप्ट में जो पहला चीज है आपको कि ये समझना कि हमको किस चीज का मोल चाहिए, ठीक है? तो आपको बहुत इसमें लाखों क्वेश्चन किताब में पड़े हुए, हम भी टेस्ट लेंगे, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हमको लगता है कि पांच क्वेश्चन में समझना जो बात है वो आपके पास आ गया होगा। अब हेडिंग दीजिए मोल इन टर्म्स ऑफ मास, हेडिंग दीजिए मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म में मोल का क्या मतलब होता है भाई?
4 इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इट, जिसे टर्म है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, उसी तरह टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? यदि कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास, आप बताइए। एटॉमिक नंबर तो हम आपको बताए थे, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि न्यूट्रल स्पीसीज हो, और मेन डिफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये तो था एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास के बारे में बताइए। एटॉमिक मास तो मास नंबर हो जाएगा, हमने एटॉमिक मास पूछा, कंफ्यूजिंग टर्म है, सब लगभग एक लगता है। बोलिए। हाँ, मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द मास और वेट ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट। हर पार्टिकुलर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू? वन। कितना? 1 ग्राम की 1 किलोग्राम? चलिए 1 mu बताए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू? आप 16 क्या ग्राम? 16। देखिए, बहुत सा लोग हमको बताता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो बताता है सर 16 ग्राम। हम कहे बापू 16 ग्राम, यदि आप ऑक्सीजन लेते तो 32 ग्राम होता है, मॉलिक्यूल है। आप सांस लेते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं, तो हवा जो चलता ना तो 32 ग्राम इतना बड़ा पत्थर होता है। हवा चलता तेज से आपका सारा माथा फूट जाना, खून निकलना चाहिए, या नाक में आपका 32 ग्राम घुसेगा, 32 ग्राम का पत्थर होना चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ भी बोलिए तो सोचिए। बहुत बच्चा बोलता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। हम कहे वाह, 16 ग्राम का होगा तो ऑटो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 32 ग्राम का। हवा चलता है तो 32 ग्राम का पत्थर से आपको लगेगा तो पूरा लहू लुहान हो जाना चाहिए था आपका माथा, है कि नहीं? और जिस दिन और तेज हवा चलता तो और एकदम बुलेट के तरह एकदम पूरा छेद छेद रखता है आपके माथा। तो ऑक्सीजन का मास 16 mu है, इससे क्या समझते हैं आप बताइए? 16 mu से क्या समझते हैं आप? रिलेटिव मास। बिल्कुल, बहुत पहला बच्चा है जो सही बात बताया। जैसे दुनिया में मास बताने का दो तरीका है। एक आदमी बोला कि सर ये बच्चा का वजन 50 किलो है। सर सही बताया, 50 किलो होगा, तौला होगा वो। कोई बोलेगा करे सर ये बच्चा का वजन आपके वजन का आधा है। सर वो भी सही। तो पहला जो बताया वो क्या बताया? एब्सोल्यूट मास। और दूसरा जो बताया वो क्या बताया? रिलेटिव मास। मेरे कंपैरिजन में उसका मास बनाया तो वो क्या होगा? रिलेटिव मास। तो दुनिया में मास बताने का हमेशा दो तरीका है, या तो आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताइए या किसी के कंपेयर में बताइए। तो एमयू एक रिलेटिव यूनिट ऑफ मास है। एमयू क्या है? एक रिलेटिव यूनिट ऑफ मास। मास बताने का मास ही बताता है, लेकिन ये किसी के तुलना में बताता है, एब्सोल्यूट मास नहीं। तो अब हमको थोड़ा सा एमयू के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 mu, 1 mu या एमयू क्या है, तो आपसे कोई पूछे कि एमयू क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पहला चीज बताइएगा, इट इज ए रिलेटिव यूनिट ऑफ मास। पहला चीज बच्ची एकदम सही बताइए कि मास बताने का एमयू एक रिलेटिव यूनिट। तो रिलेटिव यूनिट होगा तो किसी के तुलना में हो, किसके तुलना में? C12 के तुलना में। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए जब
एटम आप किसी चीज का जब मास बताते हैं, जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं तो 5 किलो 10 किलो खरीदते हैं, टन वाला जो बड़ा जो व्यापारी हो टन में बोलते हैं। तो जिस चीज को आप मेजर करते हैं और जिससे मेजर करते हैं वो एक दूसरे के कंपेरेबल होता है, 10 गुना बड़ा 20 गुना बड़ा 10 गुना छोटा है। आप सोना खरीदने जाते हैं तो 1 ग्राम 10 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम खरीदते हैं, जब आप बालू खरीदने जाते हैं तो आप टन में बात करते हैं, मैट्रिक टन में बात करते हैं। तो उसी तरह जब एटम को मेजर करने के बाद आया तो एटम तो खुद इनविजिबल है, एटम क्या इनविजिबल है, दिखता ही नहीं, तो उसका बटखारा भी क्या हो जाएगा, जिससे मेजर करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, इनविजिबल। तब साइंटिस्ट लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि एटम को हम तोड़ रहे किससे। तो एक आदमी बताया कि देखिए हम एटम को एटम से ही तोड़ देते हैं। बोला कि एकदम सही बात बोले तुम तो गजब, एकदम सही बात बोला। बोला कि हाँ तो किस एटम के रिस्पेक्ट में तोले इस एटम को। तो बोला कि इसमें क्या है, हम जब बटखारा घर में भी लेते हैं तो देखते हैं कि स्टेबल कौन है। आपके घर में बटखारा होगा तो या तो होगा लोहा का पीतल का, कम से कम पत्थर का होगा, ईंटा मिट्टी का नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम कभी बटखारा किसी को मेजरमेंट कमिट बनाते हैं तो उसमें अस्टेबिलिटी बहुत, मतलब आज हम उससे दें कल मेरा बटखारा छोटा हो जाएगा तो हमको लेने से घाटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जब भी किसी चीज को आप रिफरेंस बनाते हैं तो उसके स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा रोल। तो एटम का स्टेबिलिटी को जो मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेजर करते हैं कि कौन एटम से अल्फा बीटा गामा रे का रिलीज नहीं हुआ। क्योंकि एटम यदि डिसइंटीग्रेट करेगा तो उससे अल्फा बीटा या गामा रे निकलेगा। तो उन्होंने देखा कि जिस एटम से कोई अल्फा बीटा या गामा रे नहीं निकल रहा है वह है कार्बन, कार्बन एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है, क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप्स हैं। तो ये वाला जो है इससे कोई भी अल्फा बीटा या गामा रे नहीं निकलता है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यदि डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तब ये मोस्ट स्टेबल एटम, क्योंकि कोई भी रिफरेंस बना है तो उसका स्टेबिलिटी का बात। सब लोग तो खुश हो गए कि चलो सबसे स्टेबल एटम मिल गया। कार्बन भी खुश हो गया कि हमको तो रिफरेंस बनाया जा रहा है। लेकिन किसी के खुश में कहीं गम भी होता है। तो इन कार्बन से जो छोटा एटम थे वो लोग को दिक्कत हो गया भैया कि भैया कार्बन रिफरेंस हो जाएगा तो हमारा मास तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यदि हम 50 टकिया को रिफरेंस बना दें तो 10 टकिया स्ट्राइक कर देगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 ऑफ रिफरेंस। यदि हम कार्बन को रिफरेंस बना दिए तो इस सबका मास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, ये सब एटम स्ट्राइक कर देगा। बोलेगा कि नहीं भाई हमारा इज्जत भी है, हम भी एटम है, हम तो और पहला एटम है हमारा मास। तो साइंटिस्ट कहा कि हाँ बात तो आपका सही है। तो यदि हम कार्बन को रिफरेंस मानते तो ये सब एटम क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन, ये सब का मास क्या आ जाता, फ्रैक्शन आ जाता। फिर एक प्रॉब्लम आ गया। तब देखा साइंटिस्ट कि अच्छा इसको भी हम दूर करेंगे। हम कार्बन को रिफरेंस देख रहे हैं कि कार्बन और सबसे छोटा एटम में 12 गुना का अंतर है। कार्बन और सबसे छोटा एटम में कितना है, इसका मास नंबर 12 है उसका मास नंबर 1 है। ध्यान से समझिए बात, इसका मास नंबर 12 है इसका मास नंबर 1 है। तो यदि हम कार्बन को रिफरेंस नहीं माने, हम पूरा कार्बन को रिफरेंस नहीं माने, कार्बन को हम इक्वल इक्वल 12 भाग में डिवाइड करें और उस 12 में से एक भाग को यदि हम रिफरेंस माने तो उसी उसी को आप एक एमयू कहते हो। ये एक जो टुकड़ा है इसी को कहते हो 1/12, यही है 1/12। कार्बन के एटम को रिफरेंस नहीं माने, रिफरेंस कौन है, कार्बन का 12वां हिस्सा, और यही 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन विथ एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, यही रिफरेंस है। मतलब कि 1 एमयू क्या है, तो अब आप जवाब देने के लायक हो गए, इट इज 1/12
ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। क्लियर है बात? अब ये भी खुश हो गया कि हाँ अब हमारा भी बात होगा, अब उसका भी अब क्या आ जाएगा, होल नंबर में उसका भी इज्जत बच गया। क्लियर बात समझ में आया कि एक एमयू का डिफरेंस अब कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ना कि कार्बन एटम। क्लियर बात है? अच्छा, तीसरा चीज कि आप जानते हैं कि 1/12, ध्यान से समझिएगा, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 6/12, एक एटम का मास निकालना है तो आप क्या करेंगे बोलिए जी, क्या करेंगे? इसका एक मोल का मास निकाल लीजिए, कार्बन का एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहां से एक नया डिफरेंशन आ गया कि 12 से 12 कट गया, ऊपर में 1 ग्राम बटे एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यहीं से वेरिएबल क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम का जितना क्वेश्चन होता है वही ये एवोगाड्रो नंबर को 6.022 × 10²³ को के बदले हम 12.022 × 10²³ माने तो क्या होगा? ये डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कि 1 mu इज नथिंग बट इट इज 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। और आप सब जानते हैं कि 1 ग्राम तो ग्राम है, और इसको 6.022 × 10²³ से डिवाइड करिएगा तो इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 0.166 आएगा, करके देख लीजिए। और ये नीचे वाला कितना चला जाएगा, 10²− 23 हो गया, 1 दशमलव इधर करिएगा तब ये हो जाएगा 24। तो अब यहां से समझिए, तीसरा डिफिनेशन हम क्या कहेंगे कि इन एब्सोल्यूट यूनिट, क्योंकि ग्राम क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट, इन एब्सोल्यूट यूनिट 1 mu इज इक्वल टू 1.66 × 10²−24, क्योंकि ग्राम इज ए एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मास, वो किसी का कंपेरेबल में नहीं, उसका एक अपना फिक्स वैल्यू, बात समझे? तो एमयू को कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तब डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनेशन इट इज ए रिलेटिव यूनिट ऑफ मास और वेट, दूसरा इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 atom ऑफ कार्बन विथ एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, तीसरा इट इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और चौथा इट इज इन एब्सोल्यूट यूनिट इट इज इक्वल टू 1.66 × 10²−24 ग्राम। क्लियर? इतना उतारिए। जैसे कि कोई एलिमेंट है, मान लिया जाए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज xmu, कोई एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका एक एटम का मास कितना है, xmu। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, लेट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज xmu, देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम विल क्या होगा? ये है एक एटम का मास, तो 1 मोल ऑफ दैट एटम का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऐसा वो जो एटम है, ऐसा ऐसा एटम कितना है, बहुत सा, ऐसा ऐसा लिखते लिखते थक जाएंगे हम, तब भी नहीं पूरेगा, इतना बड़ा नंबर है। अब डॉट डॉट करके हम लिख देते हैं, इतना एटम का वजन हमको निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे आपको एक का पता हो तो हम क्या करेंगे बोलिए, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम, इसके लिए हम क्या करेंगे बोलिए, मास ऑफ 1 atom इंटू एन ए, क्योंकि एक मोल में एन ए पार्टिकल होता है, 1 atom का मास कितना है, xmu, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं,
एक्स तो है, एमयू का भी तुरंत आपको हम सिखाए थे, 1 ग्राम बटे एन ए इंटू एन ए, यहां से क्या आ जाएगा एक्स ग्राम। मतलब कि किसी एटम का एटॉमिक मास यदि एक्स एमयू है तो उसके एक मोल का मास एक्स ही रहेगा, लेकिन किसमें रहेगा? ये बात ही सबसे बड़ा बात है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। यदि किसी चीज का एटॉमिक वेट आपको पता है तो उसका एक मोल का मास आप सिर्फ क्या करिएगा, यूनिट बदल दीजिएगा, एमयू के जगह पर क्या लगा देंगे, क्लियर है बात? इतना उतारिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, वी नो दैट, क्वेश्चन लिखिए, वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mu, we know that the atomic mass of oxygen is 16 mu, then find the following. नंबर वन में लिखिएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, दूसरा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरा वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, चौथा वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, चौथा वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? बताइए चारों क्वेश्चन का जवाब, बताइए सबका जवाब होगा 16 ग्राम। जिसे देखिए, देखिए बात, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को 4 टर्म से आप बुला सकते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो आप लिखे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को आप 4 नंबर नाम से बुला सकते हैं। पहला नाम क्या होगा बोलिए तो, वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट एटम, इसमें तो किसी बच्चा को दिक्कत नहीं है। दूसरा इसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, वेट या मास जो भी लिखिए। तीसरा इसी को क्या कहते हैं, वेट ऑफ 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम एक साथ है। चौथा में इसका नाम क्या कहेंगे, समझ रहे ना? ये सब एक ही चीज है, ग्राम एटॉमिक मास, वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट एटम, वेट ऑफ 1 ग्राम एटम, और इसी का नाम होगा मोलर मास ऑफ द एटम। ये चारों चीज इसी का नाम है, मतलब ये पांचों चीज साइनोनिमस यूज होता है। एक तो ये पहले लिखा हुआ है और ये 4 चीज। तो सब क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 16 ग्राम। जितना भी क्वेश्चन है सबका जवाब क्या होगा, बात समझे? नहीं समझे अभी, देखिए एक चीज को फिर से बताता हूं। देखिए कहीं भी लिखा रहे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ दैट एटम। कहीं लिखा रहे 1 ग्राम आयन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ दैट आयन। कहीं लिखा रहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, आदमी को लगता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल वजन बता रहा, नहीं, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये तीनों बात को ध्यान में रख लीजिए, 1 के साथ ग्राम नहीं है, ग्राम एटम एक टर्म है, ग्राम आयन एक टर्म है, ग्राम मॉलिक्यूल एक टर्म है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, ये बात को दिमाग में बैठाइए। कहीं भी लिखा रहे 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ दैट एटम,
वन ग्राम आयन का मतलब हुआ वन मोल ऑफ दैट आयन, और देखते बच्चा को लगता है वन ग्राम वजन दिया हो, गलत बात। ग्राम आयन के साथ है, ग्राम एटम के साथ है, ग्राम मॉलिक्यूल के साथ है, वन के साथ नहीं है। बात समझ रहे हैं? ध्यान से अक्षर को देखिए। अब यहां से क्या सीखे इसको ध्यान दे। हाँ, बिल्कुल। देखिए जैसे नहीं माइवर समझिए, या इसको वन मोल ऑफ दैट एटम का मतलब क्या हुआ, वन ग्राम एटम का मतलब हुआ एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट एटम, या आप जो बोले 6.022 × 10²³ एटम्स। बात समझे? वन ग्राम एटम का मतलब होता है इतना एटम, समझ रहे ना? इस चीज को देख, आप देखिए कि कोई आदमी आपको बोले कि मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन का कितना मोल है, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, एटम है, हम कह रहा है एटम है, बताइए इसमें मोल कितना है। तो आप देखा, आपने देखा कि एक मोल ऑक्सीजन रहता तो उसका वजन होता 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का, तो 8 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ 0.5। कैसे बता दिए कि आपने यूज किया नंबर ऑफ मोल ऑफ द एटम इक्वल टू वेट ऑफ द एटम या दैट एटम इन ग्राम बटे मोलर मास ऑफ दैट एटम, मोलर मास ऑफ दैट एटम आपने यूज इसी कंसेप्ट को यूज किया, तो उसका वेट कितना दिया था बोलिए 8 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है, तो ये कितना हो गया आपको, बात समझे? किसी भी एटम का यदि नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसका एटम का कितना ब्रान और उसका ग्राम एटम वेट से डिवाइड कर, वन मोल। वो एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है। मोलर मास एक जनरल टर्म है, बात समझ रहे ना? हाँ, इस चीज का यूज किया, मतलब कि जब आपने जो डिफिनेशन बताया था कि वेट इन ग्राम बटे मोलर मास, आज समझे कि नहीं? मोलर मास तो किसी चीज का हो सकता है, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, किसी चीज का भी, ठीक है? अब देखिए, आपको हम बताए थे, इतना मिटा दें, भर गया था, मिटाना पड़ेगा, तब तो हौच पोच हो जाएगा ना। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? अब देखिए दूसरा टर्म है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या इसी का नाम होता है मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, जिससे पूछेंगे वो डिफाइन करेंगे। आप बताइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, आप बताइए, जो जानते हैं बताइए। इट इज द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वो ऑल एक भी हो सकता है और एक हजार भी हो सकता है। हम कहां कह रहे हैं कि ऑल द एटम, एक भी में भी ऑल हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। बात समझे अब आपका? बात
कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, और यह बराबर होता है किसका, सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, तो आप जानते हैं O2 दो एटम से मिलकर बना है, इस ऑक्सीजन का मास होता है 16 mu, इसका भी 16 mu, तो मॉलिक्यूलर मास क्या जवाब दीजिएगा, बिल्कुल क्या जवाब दीजिएगा, AMU, क्या बोलिएगा, क्योंकि एटम का मास AMU में है, तो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में कैसे हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट का बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का बात नहीं कर रहे, मोलर मास का बात नहीं कर रहे हैं, बात समझे। इसी चीज को यदि कोई पूछता कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 mole ऑफ O2 मॉलिक्यूल, या इसी का दूसरा नाम होता व्हाट इज द मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, या इसी को कहता व्हाट इज द मास ऑफ 1 gram मॉलिक्यूल ऑफ O2, या कोई कहता व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ O2, या कोई कहता व्हाट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, सबका जवाब क्या होता, एक मॉलिक्यूल का मास वो कितना था, बोलिए 32 mu, बात समझ है ना, 32 mu इंटू Na, तो ये क्या हो जाएगा 32 mu, mu को हम लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर आप ये समझे कि यदि किसी चीज का मॉलिक्यूलर वेट XMU है या YMU है, तो उसका इतना सब क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, वाई ग्राम, बात समझे, तो इतना बात लिख लीजिए, दैट इज इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज YMU, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज YMU, देन द मास ऑफ 1 mole ऑफ द मॉलिक्यूल इज वाई ग्राम, सिर्फ क्या लग जाएगा, एमयू के जगह क्या लग जाएगा, ग्राम। ये पांचों क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझना है, और यहां पर भी आप क्या सीखे, यहां पर भी कोई बोले कि ऑक्सीजन का मेरे पास 16 ग्राम है, तो वहां पर आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, अबरी बार नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए कहेगा, तो आपके पास जो वेट होगा O2 का, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास किसका, ऑफ O2 मॉलिक्यूल से, समझ रहे हैं बात है, वहां पर मोलर मास किससे यूज किए थे, ऑक्सीजन एटम का, यहां पर किसका यूज करेंगे, मॉलिक्यूल का, क्योंकि जब वेट आपको O2 का दिया हुआ है, तो अब आप अपने समझदार हैं, इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे, ठीक, आगे क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।